हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक सवाल रखा था कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। उसमें मैंने तीन ऑप्शन भी दिए थे। तो तीन ऑप्शन में से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस ऑप्शन को आप सभी ने सबसे ज़्यादा वोट दिया है। अनएक्सपेक्टेड वोट मिले इसको। तो कुछ नहीं, जनता की फरमाइश पे इस पे भी वीडियो बना देते हैं। दूसरा क्या, एक मिनट, इस पे वीडियो बनाने के लिए इसके गाने सुनने पड़ेंगे। इसमें तो बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। तो चलिए रोनी भाई का गाना सुनते हैं। दरवाजे बंद, चेक, कान में रोई, चेक और वॉल्यूम लो, चेक। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। क्योंकि मेरी मां मुझे अब पकड़ाया छोड़ो ना। मैंने बोला प्यार तो करूंगा मैं, उससे पहले गुजारिश है। By the way, टोनी कक्कर एक सिंगर है और साथ साथ में कंपोजर और म्यूजिशियन भी है और थोड़ी सी एक्टिंग भी कर लेते हैं। अच्छा टैलेंट है, ऐसा टैलेंट यूट्यूब में और किसी के पास भी है, आप नहीं। हिमेश भाई की बात कर रहा हूँ। हिमेश भाई की एक्टिंग और टिकटॉक को जाने देते हैं, हम इग्नोर करते हैं, पर वो कंपोजर अच्छे है। हिमेश भाई और टोनी भाई में सिर्फ एक ही बात का फर्क है, हिमेश भाई अच्छे गाने बनाते हैं और टोनी भाई अच्छे गानों की वाट लगाते हैं। बाय द वे, टोनी भैया के गानों की लिरिक्स तो देखो, सब वर्ड एक जैसे ही है, सब कॉपी किया ही लगता है। बिना बिजली के हेयर ड्रायर चला रहे ये लोग। सॉन्ग में सबसे कम मेहनत तो बैकग्राउंड डांसर को ही है, एक जैसे ही स्टेप कर रहे हैं ये लोग, और उनका भी हेयर ड्रायर बिना बिजली से चल रहा है। कैसे दीदी, ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। बाय द वे, ये सॉन्ग में तो टोनी कक्कर की बहन भी है, नेहा कक्कर। देखो मुझे वैसी नजर से। हाँ, कैसी नजर से देखे हम। वीडियो में ऐसा नहीं चलेगा दीदी, क्योंकि मेरा वीडियो बच्चे फैमिली के साथ बैठकर दिखते हैं, फैमिली कंटेंट है, नहीं चलेगा, सॉरी। नेहा कक्कर भी अच्छे सॉन्ग बनाती है, पर ऑटो ट्यून के साथ, बगैर ऑटो ट्यून के सॉन्ग कैसे होंगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। आतिफ भी यही सोच रहा होगा कि कब ये मुझे छोड़े और मैं यहाँ से निकलूं। कुछ भी बोलो, टोनी भाई दिखने में अच्छे हैं। रुको जरा। बाय द वे, काम तो रियाज भाई के साथ ही किया है ना, तो थोड़ा तो असर होगा ना उनके जैसा। ढिंचाक पूजा ने भी नया गाना निकाला था, वो भी ट्रेंडिंग पे आया था। आप गाना गाओगे तो पीटर का मीटर टूट ही जाएगा ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। और बाय द वे,
आपको कौन से एंगल से ये गाड़ी टू सीटर निकल रही है? कैसे दीदी, ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। पूरे वीडियो में पीटर ने अपना मुंह ही नहीं दिखाया, कैसे दिखाएगा? इसके साथ किसी ने देख लिया तो ढिंचाक पूजा और टोनी भाई सेम ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ढिंचाक पूजा को ऑटो ट्यून और बजट दे दे तो वो भी टोनी भाई के जैसे ही गाने लगे। टोनी भाई को आपने कभी ऑटो ट्यून बगैर गाते हुए देखा है? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। टोनी भाई अपने गानों के नेम बहुत क्रिएटिव रखते हैं, जैसे कि गोवा बीच, चॉकलेट, कुर्ता पजामा, लैला, मतलब आजू बाजू में जो दिखे उस पे ही गाना बना डालो। बाय द वे, बस आज के लिए इतना ही, और कैपेसिटी नहीं है मेरी कि मैं इनके गाने सुनूं, वरना मेरे कान में से खून निकलने लगेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आपको वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, और वहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे ही वीडियो रखता हूँ एंटिक एंटिक। टोनी कक्कर अच्छा सिंगर है। अच्छे नहीं यार।